आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नवरात्रि स्पेशल व्रत की थाली। इसमें आज हम बनाने वाले हैं एप्पल खीर, ककड़ी यानी कि क्यूकम्बर का रायता, पनीर की सब्जी, साथ ही में हम बनाएंगे सूखे आलू की सब्जी, सामक जिसे भगर भी कहते हैं, मोदन भी कहते हैं, उसके हम बनाने वाले हैं बड़े। साथ ही में सामक चावल के हम पुलाव भी बनाएंगे। और आज हम पूरियाँ नहीं बनाने वाले हैं, उसकी जगह हम बनाएंगे कुट्टू के आटे की रोटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एप्पल खीर। इसके लिए यहाँ मैंने दो एप्पल ले लिए हैं मीडियम साइज़ के। इन्हें हम छील कर और कद्दूकस कर लेंगे। अब यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें थोड़ा सा मैंने पानी लिया है ताकि दूध तले में चिपके ना। इसमें ऐड करेंगे हम 3 कप फुल फैट मिल्क और बस फ्लेम ऑन करके इसको उबलने के लिए रख देंगे। हमने 3 कप दूध का इस्तेमाल किया था। अब इस दूध को हम तब तक उबालेंगे जब तक कि ये घटके 2 कप ना रह जाए। दूध में उबाल आ चुका है, अब इसे हम लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो देखिए इसको उबलते हुए 5-7 मिनट हो गए हैं और ये काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। अब इसमें इस टाइम पे हम डाल देंगे इलायची। मैं 2 खड़ी इलायची का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो इलायची पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी वक्त इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। मैंने 1 बड़ा चम्मच काजू, 1 बड़ा चम्मच बादाम लिया है और 2 मिनट के लिए उबालेंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं, दूध हमारा रेडी हो चुका है। अब फ्लेम बंद कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे और तब तक हम कद्दूकस किए हुए एप्पल को कुक करेंगे। मैंने यहाँ एक कढ़ाई में ले लिया है 1 टीस्पून शुद्ध घी। घी को मेल्ट होने देंगे। घी के मेल्ट होने पर हम इसमें ऐड कर देंगे कद्दूकस किए हुए एप्पल और इनको 3-4 मिनट के लिए कुक करेंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1/2 कप शुगर और अगेन इसको 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे। एप्पल में थोड़ा सा खट्टापन होता है, यदि हम डायरेक्टली एप्पल को दूध में डाल देंगे तो दूध फट जाएगा, इसलिए हम पहले एप्पल को चीनी के साथ थोड़ा पका लेते हैं और दूध को अलग से पका लेते हैं। तो एप्पल हमारे रेडी हो चुके हैं, अब इसमें हम ऐड कर देंगे हमारा ठंडा किया हुआ दूध। पूरी तरह ठंडा नहीं किया है, दूध को हमने सिर्फ 10 मिनट ठंडा किया है, अभी भी ये काफ़ी गर्म है। फ्लेम एकदम लो कर देंगे और थोड़ी देर एप्पल और दूध को हम एक साथ पकाएंगे। अब हमें ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है, 1 से 2 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। तो लीजिए हमारी खीर रेडी हो चुकी है, अब इसे उतार लेंगे और ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। एप्पल की खीर ठंडी ज़्यादा अच्छी लगती है, आप चाहें तो गर्म भी खा सकते हैं। अब हम बनाएंगे सूखे आलू की सब्जी। इसके लिए यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच ऑयल ले लिया है। इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा। जब जीरा पक जाए तो इसमें डालेंगे हम बारीक कटी हुई 3 से 4 हरी मिर्चें, बारीक कटी हुई थोड़ी सी करी लीव्स लगभग 1 बड़ा चम्मच, थोड़ी सी हम हरी धनिया ऐड करेंगे। जब ये सभी चीज़ थोड़ी सी कुक हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे हम आलू। ये 1 बड़े साइज़ का उबला हुआ आलू है जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसमें हम नमक ऐड करेंगे व्रत वाला। अब इसमें ऊपर से हम डालेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/8 टीस्पून जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरे का पाउडर है ये। मिक्स करेंगे, कुछ देर के लिए इसको कुक करेंगे ताकि आलू अच्छे से भुन जाएँ, 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। आलूओं को भुनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें हम खटाई के लिए नींबू का रस ऐड करेंगे लगभग 1/4 टीस्पून और साथ ही में हम 1/8 टीस्पून इसमें चीनी ऐड करेंगे जिससे कि टेस्ट बैलेंस हो, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं चीनी। मिक्स करेंगे, अब इसमें हम बारीक कटी हुई धनिया ऐड करेंगे और लीजिए हमारी सूखी आलू की सब्जी रेडी है, इसे हम सर्व कर लेंगे। अब हम बनाएंगे पनीर की सब्जी। इसके लिए हम एक मिक्सर जार लेंगे, इसमें डालेंगे हम 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, साथ ही में हम ऐड करेंगे 2 हरी मिर्चें और 1 इंची अदरक का टुकड़ा, थोड़ी सी हम हरी धनिया ऐड करेंगे लगभग 1 टीस्पून। अब इसमें हम 10 से 12 काजू ऐड करेंगे जिन्हें मैंने 1 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था और फिर इनका पानी मैंने निकाल दिया। अब इसमें थोड़ा पानी ऐड करके इसको हम ग्राइंड कर लेंगे और यहाँ मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है जिनको मैंने बड़े बड़े क्यूब्स में कट कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे लगभग 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल के गर्म होने पर इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, जीरे को पकने देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कुछ सेकंड्स के लिए कुक करेंगे और तुरंत ही इसमें ऐड कर देंगे हमारी तैयार की हुई प्यूरी। पहले हम थोड़ी सी प्यूरी ऐड करेंगे ताकि मसाले ना जलें। मिक्स करेंगे, अब बाकी की बची हुई पूरी प्यूरी इसमें ऐड कर देंगे। यदि आप व्रत में लाल मिर्च नहीं खाते हैं तो आप लाल मिर्च को अवॉइड कर सकते हैं, ये हमने सिर्फ ग्रेवी को कलर देने के लिए इस्तेमाल किया है। जार में थोड़ा सा पानी लेके उसको भी ऐड कर देंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे स्वादानुसार नमक और 1/2 छोटी चम्मच चीनी। चीनी डालने से टेस्ट बैलेंस होता है, यदि आप नहीं पसंद करते हैं तो आप इसको टोटली स्किप कर सकते हैं, पर इससे ग्रेवी में मीठापन नहीं आएगा, जस्ट टेस्ट बैलेंस होगा। और अब अच्छे से इसको 6-7 मिनट के लिए हम कुक करेंगे लो फ्लेम पे, जब तक कि ग्रेवी अच्छे से पक ना जाए और ऑयल रिलीज ना कर दे। अब यहाँ एक बोल में मैंने ले ली है 2 बड़े चम्मच मलाई, ये ताजे दूध की मलाई है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच दही, ये मीडियम खट्टा दही है। दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब इसको साइड में रख देंगे, जब ग्रेवी पक जाएगी तो हम इसका इस्तेमाल ग्रेवी में करेंगे।
ग्रेवी को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, तो देखिए ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है, इसका तेल भी ऊपर नज़र आने लगा है। तो अब इसमें हम हमारा तैयार किया हुआ मलाई और दही का मिक्सचर ऐड कर देंगे, 2 बड़े चम्मच। अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ी देर और कुक करेंगे। तो 2-3 मिनट और हो चुके हैं, अभी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी लग रही है इसलिए मैं पानी ऐड कर रही हूँ इसमें। गर्म पानी ही इसमें ऐड करें इस वक्त, कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं, गाढ़ी पतली। अब इसमें हम कुछ चॉप की हुई हरी धनिया ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे। और अब इसमें हम पनीर ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे हल्के हाथों से, पनीर टूटे ना। और 2 मिनट के लिए और कुक करेंगे लो फ्लेम पे। और लीजिए हमारी व्रत की पनीर की सब्जी रेडी है। अब हम बनाएंगे क्यूकम्बर रायता। यहाँ हमने ले ली है 1 ककड़ी, आप देख सकते हैं ये मीडियम साइज की है, इसको छील कर हम कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ मैंने एक बोल ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे हम 1 कप दही। दही मैंने ऑलरेडी फेट के लिया है और दही मीडियम खट्टा है, बहुत ज़्यादा खट्टे दही से रायता अच्छा नहीं बनता है इसलिए उसे अवॉइड कीजिएगा। अब बोल में पानी लेके थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसे मिक्स करेंगे एक बार। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और मिक्स करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 टीस्पून चीनी, पाउडर चीनी, ये ऑप्शनल है, आप मीठा पसंद नहीं करते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/8 टीस्पून जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरे का पाउडर है ये, 1 टीस्पून हम बारीक कटी हुई पुदीने की पत्तियाँ डाल देंगे इसमें, ये भी ऑप्शनल है, मिले तो ऐड कीजिएगा अदरवाइज़ स्किप कर दीजिएगा। 1 छोटा चम्मच ही हम बारीक कटी हुई हरी धनिया ऐड करेंगे। अब इसमें हम हमारी कद्दूकस की हुई ककड़ी ऐड करेंगे 2 बार में, मिक्स करेंगे। अब बाकी का बचा हुआ क्यूकम्बर भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसके लिए हम तड़का प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ एक पैन में मैंने ले लिया है 1/2 टीस्पून मूँगफली का तेल, गर्म होने पर इसमें ऐड करेंगे हम 1/4 टीस्पून जीरा, 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और थोड़ी सी चॉप्ड करी लीव्स, मिक्स करेंगे। तड़का हमारा रेडी है, इसे हम रायते पे स्प्रेड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। तो रायता हमारा रेडी है, अब हम बनाएंगे व्रत का पुलाव, और हम नवरत्न पुलाव बनाने वाले हैं व्रत का। तो यहाँ एक बोल में मैंने ले लिए हैं 1/2 कप समा के चावल, जिसे सामक भी कहते हैं और मूर्धन भी, इन्हें हम अच्छे से 4-5 पानी से वॉश करके भिगो कर रख देंगे आधे घंटे के लिए। तो लीजिए मैंने इनको वॉश कर लिया है और भिगो कर रख दिया है, तो आधा घंटा हो चुका था और मैंने इनका पानी निकाल दिया है। अब यहाँ एक पैन में मैंने पानी उबलने रख दिया है, जितने मैंने समा के चावल लिए थे उसके दुगने से थोड़ा ज्यादा मैंने पानी लिया है, हमने 1/2 कप समा के चावल लिए थे तो यहाँ मैंने 1/4 कप पानी लिया है, यानी कि 1 कप + 1/4 कप पानी में बॉईल आ चुका है। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे व्रत का, और अब इसमें हम सामक के चावल डाल देंगे, इनका पानी मैंने निकाल दिया था, मिक्स करेंगे। और अब इसको ढककर हम 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक कि ये पक ना जाए, एकदम लो फ्लेम पर आपको पकाना है इसको। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे, इसमें डालेंगे हम 5 से 7 हरी मिर्चें और 1 इंची अदरक का टुकड़ा, और अब इसे ग्राइंड करके इसका मोटा मोटा पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए 3-4 मिनट हो गए हैं और सामक के चावल पक चुके हैं, हम चेक कर लेंगे और थोड़ा सा चम्मच से हिला देंगे इसको और फ्लेम से उतार कर ढक कर कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। अब हमने यहाँ एक पैन ले लिया है, पैन में लेंगे हम शुद्ध घी 1 बड़ा चम्मच, इसमें हम पहले कुछ ड्राई फ्रूट्स भून लेंगे। मैंने 10-12 काजू लिए हैं जिनको बीच में से मैंने कट कर दिया है, और 8-10 मैंने बादाम लिए हैं उनको भी मैंने बीच में से कट कर लिया है, इनको अच्छे से हम कलर चेंज होने तक भून लेंगे। तो ये भुन चुके हैं, इनको एक अलग बोल में निकाल के हम रख देंगे। अब सेम कढ़ाई में हम ऑयल ले लेंगे, आप ऑयल की जगह घी ले सकते हैं, इसमें मैंने 1.5 बड़ा चम्मच ऑयल और ऐड किया है। अब इसमें सबसे पहले हम मूंगफली के दाने डालेंगे, ये 1 बड़ा चम्मच है, इनको अच्छे से भुनने देंगे। तो ये भुन चुके हैं, अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे, इसको भी भुन लेंगे। हमारा अदरक मिर्ची का बनाया हुआ पेस्ट डाल देंगे, इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। अब इसमें हम करी लीव्स डाल देंगे लगभग 1/4 कप, ये चॉप्ड है, थोड़ा सा और कुक करेंगे। तो ये कुक हो चुका है, अब इसमें हम 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अब इसमें हम उबले हुए सामक डाल देंगे, अभी ये थोड़े से आपको स्टिकी लग रहे हैं पर आगे ये एकदम खिले खिले हो जाएंगे जब इसमें हम पीनट पाउडर डालेंगे। तो अब इसमें हम पहले 1/2 कप पीनट पाउडर डालेंगे। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच चीनी डालेंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, हमने चावल को उबालते वक्त भी इसमें नमक डाला था, वो ध्यान में रख के नमक डालें आप। 1/2 नींबू का रस इसमें निचोड़ देंगे हम, अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1/2 कप पीनट पाउडर और ऐड करेंगे, टोटल हम 1 कप मूंगफली का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। हमने मूंगफली दानों को भून लिया था और फिर मिक्सर ग्राइंडर में उनको पीस लिया है, और अब इसमें हम हमारे भुने हुए ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देंगे, कुछ ड्राई फ्रूट्स हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। थोड़ी सी चॉप्ड हरी धनिया डालेंगे, मिक्स करेंगे, इसे 1 मिनट के लिए और कुक करेंगे। और लीजिए हमारा व्रत का नवरत्न पुलाव तैयार है।
हम बनाएंगे समा के चावल के बड़े। सबसे पहले हम एक मिक्सर जार लेंगे, इसमें डालेंगे हम 5 से 6 हरी मिर्चें और 1 इंची अदरक का टुकड़ा। मिर्च की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और डालेंगे 1 छोटा चम्मच हरी धनिया और इसे मोटा मोटा ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ मैंने एक बोल में ले लिया है समा के चावल का पाउडर। मैंने जो सामक चावल है उनको मिक्सर ग्राइंडर में पीस के उसका पाउडर बना लिया है। हम 1/2 कप पाउडर इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है पानी। हम 1/2 कप समा के चावल का पाउडर ले रहे हैं तो यहाँ मैंने 1/4 कप पानी उबलने रखा है, 1 1/4 कप। अब इसमें हम ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक। 1/8 टीस्पून हम इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे। 1/8 टीस्पून ही हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच अदरक मिर्च धनिया का पेस्ट डालेंगे। थोड़ा मिक्स करेंगे। अब इसमें 1/2 नींबू हम निचोड़ देंगे, मिक्स करेंगे। और अब इसमें हम तैयार किया हुआ सामक का चावल का पाउडर ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर इसको हम वापस से गूंद कर इसका डो तैयार करेंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं और ये अब हल्का ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़े साइज़ का आलू, साथ में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच मूँगफली का पाउडर, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डालेंगे। अब आलूओं को मैश करते हुए हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हम इसमें 1/2 टीस्पून पाउडर चीनी डालेंगे, ये ऑप्शनल है। अब इसे अच्छे से मिक्स करके इसका डो तैयार कर लेंगे। लीजिए, इसका डो तैयार है। अब हथेलियों में हम हल्का सा ऑयल लेके इसके बड़े तैयार कर लेंगे इस तरह से। अब अपने मन के मुताबिक इनका शेप दे सकते हैं। तो लीजिए, हमारे सभी बड़े तैयार हैं। यहाँ मैंने अच्छे से तेल गरम कर लिया है, इसमें हम बड़ों को डाल देंगे। कुछ सेकंड के लिए हम बिल्कुल भी इनको स्टर नहीं करेंगे। बड़े आप ये थोड़ी देर बाद अपने आप ऊपर आ जाएंगे। तो बड़े ऊपर आ गए हैं, अब इनको हम पलट देंगे और अब हम फ्लेम को थोड़ा और लो कर देंगे और इनको अच्छे से हम गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। तो बड़े हमारे कुक हो चुके हैं, हम इन्हें निकाल लेंगे और इसी तरह हम बाकी के बड़े भी फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, हमारे सभी बड़े रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही टेस्टी हैं, इन्हें आप व्रत की हरी चटनी के साथ सर्व करें। और अब आखिर में हम बनाएंगे कुट्टू के आटे की रोटी। तो इसके लिए यहाँ मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 कप पानी। इसको गर्म होने देंगे। अब पानी में बॉयल आने लगा है, इसमें ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा मिक्स कर देंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब इसमें हम 1 कप कुट्टू का आटा ऐड कर देंगे। जितना हम कुट्टू का आटा ले रहे हैं उसका 1/2 हमको पानी लेना होता है। स्पैचुला से मिक्स करेंगे और हाथों से मिक्स करेंगे। अब ये काफ़ी गर्म है, आप चाहें तो इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दें, उसके बाद इसका डो तैयार करें। अब इसको अच्छे से मिक्स करके इसका डो तैयार करना है हमको। कुट्टू का आटा बहुत चिपकता है हाथों में, इसलिए हम थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके इसका डो तैयार करेंगे। तो लीजिए, इसका डो तैयार हो गया है और अभी भी ये डो हल्का गुनगुना है। हमको तुरंत ही इसकी रोटियां बनानी है, ठंडा नहीं करना है इसको। तो हम कुट्टू का सूखा आटा इस्तेमाल करके रोटियां बेल लेंगे इस तरह से। रोटियां बेलने के लिए इसी तरह की सिलिकॉन मैट का या फिर बटर पेपर का इस्तेमाल करें या फिर क्लिंग रैप का या किसी भी तरह की पॉलिथीन का इस्तेमाल आप करें, क्योंकि ये रोटियां बहुत डेलिकेट होती हैं, इनको उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस तरह से हम मैट को उठाते हुए रोटियों को उठा लेंगे और गर्म तवे पर हम रोटी को डाल देंगे। 1 मिनट के लिए हम नीचे से सिकने देंगे इसको। तो 1 मिनट हो चुका है, अब रोटी को हम पलट देंगे, थोड़ी देर इसको सिकने देंगे हम। अभी हम इंडक्शन पर सेक रहे हैं, इसके बाद हमको रोटी को डायरेक्टली फ्लेम पर सेकना होगा, इसके लिए हम इसको गैस पे लेके जाएंगे। दूसरे साइड से रोटी सिक गई है, अब हम पलटकर इसको डायरेक्टली फ्लेम पर सेक लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से फूल गई है, अच्छे से सेक लेंगे दोनों साइड से। सेकना बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम गेहूं के आटे की रोटियों को सेकते हैं। इस पर घी अप्लाई करेंगे और इसी तरह से हम बाकी की रोटियां भी सेक लेंगे। तो हमारी नवरात्रि की थाली की सभी चीज़ें बन चुकी हैं, बहुत ही बढ़िया थाली है ये। तो यदि आपको आज की मेरी नवरात्रि की थाली पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं और भी व्रत की रेसिपीज़ लाने वाली हूँ। अब आपसे मुलाकात होगी अगली रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।